वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम देखेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे, पेज नंबर 3.18, निराली पब्लिकेशन। सो देखो, जानबूझ के मैंने ये प्रॉब्लम लिया है क्योंकि ये जो मिस्टर दिलीप है पाठक, 66 ईयर एज है, मतलब वो सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड भी हो चुके हैं और साइमल्टेनियसली वो एक कॉलेज में जॉब करते हैं एज अ लेक्चरर और उनको सैलरी भी मिलती है। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे कैसे हमें टोटल ग्रॉस इनकम निकालना है। सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, मिस्टर दिलीप पाठक इज 66 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये 66 ईयर्स के है, मतलब सीनियर सिटीजन है, अबाउट 60 है। तो हमें जो उनका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है तब ये एज उनकी कंसिडर करनी है, ठीक है। He furnished the following details of his income year ending 31st March 2022. Pension received 12,500 per month. देखो, he is a retired, तो उनको per month pension कितनी मिल रही है? 12,500. He commuted 3/4 of his pension on 1st January 22 for 90,000. देखो, commuted pension का मतलब क्या होता है? कि जो pension है वो उन्होंने advance में ले ली। कितनी ले ली? 3/4, मतलब ये जो है ये 3/4 है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कंपनी ने ऑफर दी होगी कि आपको मिस्टर दिलीप पाठक, आपको अगर पेंशन एडवांस में चाहिए तो आप एडवांस में ले लो और बाकी की फिर जो अमाउंट बचेगी उसमें से फिर आपको आपका क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी। लेकिन उन्होंने ये कब ली है? 1st January। देखो, डेट बहुत इंपॉर्टेंस होती है अकाउंट में एंड टैक्सेशन में। सो 1st January, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है? अप्रैल 21 to 31 March 2022, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। सो यहाँ पे दिया ही उन्होंने 31 March 2022, तो उन्होंने अप्रैल में जून में अच्छी खासी पेंशन ली है जो कि उनकी 12,500 थी। लेकिन जैसे जैन मंथ आ गया, न्यू ईयर आ गया, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अब थोड़ी 90,000, मेरी जो पेंशन बची है उसमें से 90,000 मुझे अभी लेनी है। सो इसे कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। So, 90,000, जिसका ये कौन सा पार्ट है? 3/4 पार्ट है। देखो, याद रखो क्योंकि ये एग्जम्पशन के वक्त हमें ये कैलकुलेशन काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है कि ही इज वर्किंग एज अ गेस्ट लेक्चर इन द कॉलेज, बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ। द कॉलेज गिव हिम फैसिलिटी ऑफ फ्री मील्स इन अ कैंटीन एट ₹75 पर डे, ऐसे 250 डेज उन्होंने दिया। ऑफकोर्स कॉलेज है तो 365 डेज तो नहीं होगा, छुट्टियां होगी, एग्जाम्स पीरियड्स चालू होगी, तो टोटल पीरियड्स कितने थे उनके कॉलेज के? 250 डेज। उसमें उन्हें पर डे कितना मिल रहा था? ₹75 पर मील। तो ये पर्क में हम कंसिडर करेंगे तो हमें इसका वैल्यूएशन निकालना है। सो मील का आपको एग्जम्पशन होता है ₹50 पर डे, ₹50 पर मील या पर डे। तो देखो, इन्हें मिलता था 75, तो पूरा 75 इंटू 250 पूरा टैक्सेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कंसेशन दिया है, तो 75 माइनस 50, तो ₹25 इंटू 250 जो आएगा उस पे उनको टैक्स भरना है, तो ठीक है। तो ये नया हमने आज सीखा कि मिल पर का हम जो करते हैं, जैसे कि मोटर वैन होगा या हाउस रेंट, हाउस होता है अकोमोडेशन, तो हमने सीखा है कि कैसे उनकी वैल्यू निकालनी है पर की। तो यहाँ पे हमें मील की वैल्यू निकालनी है, तो याद रखना है 50 ये हमें क्या है, एग्जम्पशन है। नेक्स्ट, ही हैज अ कार 1800 cc प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज। अब ये भी एक है कि उन्होंने खाना तो दिया उनको मील पर डे ₹75, बट अलोंग विद दैट उन्होंने उनको कार भी प्रोवाइड की जिसका सीसी इंजन की कैपेसिटी क्या थी? 1800। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने इनकम फ्रॉम सैलरी देखा है कि 1600 के बिलो अगर सीसी होगा तो कितना लेना है, एंड 1600 सीसी के ऊपर होगा तो कितना लेना है। उसमें भी और कंडीशन है कि ये जो है मेंटेन जो कॉस्ट है, ये मिस्टर दिलीप पाठक ही मेंटेन करते, मतलब कार है एम्प्लॉयर की, लेकिन मेंटेन कौन करता है? एम्प्लॉई मेंटेन करता है। एंड ये कार ये पार्टली ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज की जाती है, तो इसकी भी क्राइटेरिया है, कंडीशन है, जो ऑलरेडी ही मैंने इस इनकम फ्रॉम सैलरी में सिखाया है। डोंट वरी, इसकी कंडीशन मैं यहाँ पे बताऊंगी फिर एक बार, ठीक है। ही रिसीव 12,000 एज इंटरेस्ट ऑन FD विद द बैंक, तो ये हम इसे कंसिडर करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ही इज रिसीविंग फैमिली पेंशन ऑल्सो 45,000 पर एनम, तो ये भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंसिडर करेंगे। तो देखो, हमको पूरे इसमें
टोटल इनकम निकालना है, तो यहाँ पे क्या क्या इनकम होता है हमारा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो पांच इनकम होते टोटल हमारे। इसमें से मिस्टर दिलीप पाठक को इनकम फ्रॉम सैलरी मिली है एंड सैलरी के अंडर ही पेंशन आता है, ठीक है, तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी मिली है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं दिया है कि उनका कोई घर था, रेंट पे था, नथिंग, तो वो हम इग्नोर करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस भी नहीं दिया है, उनका कोई साइमल्टेनियसली कोई बिजनेस भी नहीं था, तो वो भी हम इग्नोर करेंगे, नील लिखेंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो वो भी कहीं नहीं दिया है कि उन्होंने कुछ अपनी ज्वेलरी बेची, इन्वेस्टमेंट बेची, तो नथिंग इज गिवन। नाउ डायरेक्टली दे हैव गिवन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मिस्टर दिलीप पाठक को दो ही तरीके का इनकम मिल रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है आपको पता है। सो मेन हम लिखेंगे इनकम, पहले हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ही इज गेटिंग सैलरी 10,000 पर मंथ। सो 10,000 इंटू 10, बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट हम लेंगे उन्हें क्या मिला है, फ्री मील मिला है, मतलब पर्क मिला है। सो 250 डेज इनटू, देखो 75 तो मिला है लेकिन 50 तो एग्जम्पशन है, तो 75 माइनस 50 इट कम्स 25, सो 250 इनटू 25 उतना ही उनको टैक्स भरना है, गॉट इट। नेक्स्ट वन हमें उनकी पेंशन भी मिली है, ओके मोटर कार, और एक पर्क मिला है मोटर कार 900 इंटू 12। 900 क्यों लिया है, तो देखो कंडीशन आपको ये याद रखनी है, बुक में भी दी है, इनफैक्ट मैंने जो स्टार्टिंग के लेक्चर जिन्होंने देखे होंगे उसमें भी मैंने कंडीशन दी है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, मोटर कार ओन बाय द एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय। देखो ए बी सी ऐसे चार्ट दिया है, ए में दिया है मोटर कार ओन बाय द एम्प्लॉयर एंड रनिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ऐसे ए बी सी में उन्होंने दिया है, तो ये हमारा जो कंडीशन है वो सी में फॉल करता है। अब सी में भी किस में करता है, तो पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट। तो देखो उन्होंने क्लियर कट दिया है, पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पस, तो हम ये वाला क्राइटेरिया लेंगे। उसमें अब उन्होंने क्या बोला है, 1600 सीसी एंड अबाउ 1600 सीसी। सो सी ये हमारी कार 1800 है, तो ऑफकोर्स अबाउ 1600 सीसी, तो 900 पर मंथ। अच्छा, उन्होंने ड्राइवर का कुछ भी नहीं कहा है कि प्रोवाइडेड द ड्राइवर, अगर मेंशन किया है तो ही ड्राइवर की सैलरी ऐड करनी है, अगर नहीं किया है तो बिल्कुल ड्राइवर की सैलरी ऐड नहीं करनी है, या कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ड्राइवर आल्सो प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज। तो ये बहुत बहुत जरूरी क्राइटेरिया है, अच्छे से लर्न करना है। एक हाउस अकोमोडेशन है, ठीक है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, और एक मोटर कार है। इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, उसका ही तो स्टिक करना है और बार बार रीड करना है। अगर यही सिर्फ ऑफिसर ऑफिशियल पर्पस के लिए होता, टोटली ऑफिशियल पर्पस, तो हमने लिखा ही नहीं होता यहाँ पे, नॉन टैक्सेबल, उस पर टैक्स नहीं बैठता। अगर वो प्राइवेट पर्पस पे होता तो हमने 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का लिया होता, प्लस ड्राइवर की सैलरी ली होती, अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय को मिली होती तो माइनस की होती। बट यूजुअली अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यही आता है, पार्टली ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली प्राइवेट पर्पस, ठीक है। तो 900 वी विल टेक हियर फॉर 12 मंथ्स। तो हमारा मोटर कार का भी हो गया। सो सी ये ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी हम मैंने पढ़ाया है आपको। चलो नाउ नेक्स्ट वन विल सी मंथली पेंशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुको, अगर ये नहीं दिया होता कि ही कमिटेड 3/4 ऑफ हिज पेंशन ऑन 1st January, तो हमने क्या किया होता, बिंदास 12,500 इनटू 12 मंथ्स लिया होता, एज यू नो कि पेंशन भी फुल्ली टैक्सेबल है, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक उन्होंने क्या दिया है, एक ट्विस्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है पेंशन तो मिल रही है उन्हें, लेकिन पूरे 12 महीने की उन्होंने नहीं ली है, उन्होंने बीच में ही जनवरी में ही ब्रेक किया है। तो जनवरी मतलब 3 months, तो ये जो पेंशन है उन्होंने सिर्फ 9 months ली है पर मंथ, और उसके बाद जनवरी फेब्रुआरी मार्च उन्होंने क्या किया है, 3/4 जो पेंशन है वो डायरेक्टली एक साथ उठाई है, एक साथ उन्होंने क्या की है, टेकन की है। सो देखो
12,500 इंटू 9, क्योंकि दिसंबर तक अगर कैलकुलेट करोगे फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर तो बराबर 9 मंथ्स आएंगे, सो इट कम्स 1,12,500। अब बचे हुए 3 मंथ्स का क्या करेंगे? ऑफ कोर्स बचे हुए 3 मंथ्स में भी उन्होंने पेंशन ली है, लेकिन अब उनको थोड़ी इतनी 12,500 मिलेगी। उन्होंने क्या किया है, अब जो पेंशन है उसका 3/4 पहले ही उठाया है, तो अब उन्हें जो मिलेगी वो सिर्फ 1/4 मिलेगी। मतलब जो 12,500 है उस वो पूरी 12,500 नहीं मिलेगी, उसमें से उन्हें सिर्फ 1/4 मिलेगी, वो भी 3 मंथ्स के लिए। गॉट इट? तो देखो कैलकुलेशन, आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आया। 12,500 इंटू 1/4, क्योंकि 3/4 तो उन्होंने पूरे पैसे उठाए हैं, तो मतलब ही नहीं बनता है। अगर पूरा 12,500 भी अभी भी अगर उनको यही मिलता है तो सब तो बोलेंगे ठीक है 90,000 भी दे दो हमें एंड 12,500 भी पर मंथ दो, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने ये बेनिफिट उठाया है तो पेंशन तो उनकी ऑफकोर्स कम होने वाली है, क्योंकि एडवांस में उन्होंने उठाया है, तो अब उनके हाथ में पेंशन सिर्फ 1/4 है। और ऐसे कितने मंथ्स, जनवरी फेब्रुवरी मार्च, 3 मंथ्स, तो उनकी पेंशन आएगी यहाँ पे 9,375। गॉट इट? अब ये 1/4 कैसे आया, तो इसके लिए मैथ सबका अच्छा होना चाहिए कि 3/4, ठीक है मैं एक बार बताती हूँ। तो देखो 3/4 और 1/4 इसको अगर ऐड करेंगे तो देखो टोटल कितनी आती है, 1 मतलब पूरी पेंशन, तो पूरे पेंशन में कि 3/4 पेंशन तो उन्होंने ली है, 1/4 बची है। ठीक है, इसमें अब मैथ सबका होना चाहिए और ये हमने 8-9 स्टैंडर्ड में सिखा है। सो नाउ नो वन विल आस्क मी कि 1/4 कहाँ से आया है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट, अब हमें देखना है जो उन्होंने कमिटेड पेंशन ली है उसका क्या करना है, उस पे भी तो हम उन्हें टैक्स भरना है, लेकिन उसका एक रूल है। देखो यहाँ पे मैंने नोट लिखा और इमीडिएटली आपको ये कॉपी पेस्ट करना है, कहीं तो बुक में लिखना है कि मंथली पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल। हाँ, ये तो हमने फुल टैक्सेबल ही किया है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन होगी तो इट्स एग्जेम्प्ट अप टू हाफ ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा समझना है, बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से समझना है आपको। सो कंप्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट अप टू हाफ ऑफ द फुल पेंशन ऑफ एम्प्लॉई डज नॉट रिसीव ग्रेच्युटी, और अगर वो ग्रेच्युटी लेता है तो 1/3 करना है। ठीक है, तो देखो अगर पूरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो कहीं पे भी ग्रेच्युटी मेंशन नहीं की है, दैट मींस ही डज नॉट रिसीव द ग्रेच्युटी। तो अगर वो ग्रेच्युटी उसे नहीं मिल रही है तो हम हाफ लेंगे। अगर लिखा होता कि यस ही इज रिसीविंग ग्रेच्युटी आल्सो, ही रिसीव्ड ग्रेच्युटी आल्सो, तो हमने 1/3 लिया होता। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेशन कैसे करना है, तो ये समझो हाफ ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। अब देखो ये जो 90,000 है ये फुल नहीं है, ये 3/4 है, तो हमें इसके पहले फुल वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, ये जो 3/4 है ना इसको रिवर्स करो 4/3, 4/3, तो देखो 90,000, या लिखो अब एग्जम्पशन क्या है तो कैलकुलेशन पर ध्यान दो, 90,000 इंटू 4/3, अगर अपन 4/3 करेंगे तो हमको फुल वैल्यू ऑफ रिटायरमेंट, वो जो उनकी पेंशन है वो मिलेगी, इनटू हाफ, क्योंकि ग्रेच्युटी नहीं मिली। अगर ग्रेच्युटी मिलती तो हमने हाफ की जगह पे यहाँ पे 1/3 किया होता। देखो माउस पे ध्यान दो, मैं सर्कल कर रही हूँ, अगर ग्रेच्युटी मिली होती तो हमने 1/3 मिला लिया होता, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ग्रेच्युटी का कहीं पे भी उन्होंने नहीं बोला है कि ही इज गेटिंग ग्रेच्युटी। ठीक है, तो हम हाफ लेंगे। 4/3 क्यों लिया है, क्योंकि 3/4 को उल्टा करो, बस इतना ही आपको करना है, क्योंकि ये जो 90,000 ये 3/4 है, तो फुल कैसे निकालोगे, तो 4/3 करोगे, तो बराबर। देखो मैथ्स, जिनका मैथ्स अच्छा होगा ना उनको बराबर समझ में आया होगा, और जिनको नहीं समझ में आया तो लेट इट बी, इसको उल्टा करो, जो भी दिया रहेगा, अगर 3/4 है, अगर 5/3 ऐसे रहेगा तो 3/5 करो, जस्ट रिवर्स्ड करो। ठीक है, सो इन टू हाफ, तो इसका 90,000 का ये जो भी आएगा 60,000, ये एग्जम्पशन है, तो अब मिस्टर दिलीप को कितना टैक्स भरना होगा, किस पे टैक्स भरना होगा, 30,000 पे।
अंडरस्टूड। सो कम्यूटेड पेंशन, देखो मंथली पेंशन अगर ले रहे तो फुल्ली टैक्सेबल है, यहाँ पे कोई भी कंसेशन नहीं दिया गया है, लेकिन कम्यूटेड पेंशन पे एग्जम्पशन दिया है। एग्जम्पशन की अच्छे से आप लिख कर रखो, कहीं पे नोट्स में लिखो, गॉट इट। सो 60,000 एग्जम्पशन। तो अब ये जो मिस्टर दिलीप है उनको कितना पे करना है, किस पे करना है, ओनली 30,000 पे, इसलिए ये जानबूझ के मैंने प्रॉब्लम लिया है, तो ये कवर हो जाएगा पेंशन एंड ग्रेच्युटी, गॉट इट। चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब इनका क्या हो गया है, ग्रॉस सैलरी कंप्लीट, सब इंफॉर्मेशन एक बार चेक करो, सब हमने किया है क्या, यस। नाउ सबकी आउटर कॉलम की टोटल करो, सो इट कम्स 2,88,925। तो इनके सैलरी जितना है उनका इनकम, ग्रॉस इनकम कितना है, 2,88,925, बट दिस इज ग्रॉस, हमें नेट कैसे निकालना है। तो एज यू नो कि यहाँ पे कुछ डिडक्शन होते हैं अंडर सैलरी में, क्या क्या डिडक्शन होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, अगर प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया है तो इग्नोर, यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन करना है। और थर्ड डिडक्शन होता है एंटरटेनमेंट टैक्स, वो तो गवर्नमेंट को होता है, तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही नहीं, तो हम यहाँ पे वो गवर्नमेंट जो एग्जम्पशन मिलेगा एंटरटेनमेंट टैक्स का वो हम नहीं लिखेंगे। तो हियर वी हैव टू कैलकुलेट ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन, समझ में आया। बहुत सारे बच्चे प्रोफेशनल टैक्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर एक बार बताती हूँ, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉई ने भरा है, मतलब मिस्टर दिलीप पाठक इनका नाम है ना, इन्होंने भरा है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से माइनस करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि मिस्टर दिलीप पाठक का प्रोफेशनल टैक्स पहले एम्प्लॉयर भरता है, तो हम पहले यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर लेस करेंगे, अंडरस्टूड। क्योंकि किसी ने मुझे आई थिंक कमेंट बॉक्स में पूछा ये प्रोफेशनल टैक्स क्या है, तो प्लीज ध्यान से वीडियो सुनो, आप स्किप मत किया करो, गॉट इट। सो यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स भी नहीं दिया है, सो वी हैव अ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एंड दैट इज 50,000, सो माइनस करो। तो अब इनकी नेट सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी आई 2,38,925, गॉट इट। लेकिन ये टोटल टैक्स निकालना है, तो सिर्फ हमको सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, आगे भी हमें देखना है और कहाँ का इनकम है। तो बाकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ नहीं दिया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं दिया है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं दिया है, हाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया है। तो चलो देखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सी क्या क्या मिला है उनको, इंटरेस्ट ऑन एफडी ये फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें कोई भी ये नहीं है, हाँ 5 साल का सेविंग होता, टैक्स सेविंग एफडी होता तो उसमें कुछ एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया है। ही ऑल्सो गेटिंग फैमिली पेंशन 45 पर एनम, या पर मंथ नहीं है, सो पर एनम, लेकिन वेन यू रिसीव द फैमिली पेंशन इसमें भी आपको कुछ एग्जम्पशन मिलता है, वो है एक तो 1/3 नहीं तो 15,000 विच एवर इज लो। अब अगर 45,000 का 1/3 हम निकालते तो भी 15,000 आता है, तो दोनों का आंसर 15 ही आता है, तो विच एवर इज लो तो 15 लो। हाँ अगर 60,000 होता और 60,000 का 1/3 तो कितना आएगा, 60,000 का 1/3 आप कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, 60 अगर 60 दिया होता ये फिगर, अगर 60,000 होती तो 60,000 का 1/3 आता आंसर 20,000, तो 20,000 एंड 15,000 इन दोनों में से जो छोटा है तो हमने कौन सा लिया होता, 15,000। लेकिन यहाँ पे लकीली 45,000 का भी 1/3 15,000 ही आता है, तो कैसे भी कोई भी कैलकुलेशन करो हमें माइनस 15,000 ही करना है, सो विच एवर इज लेस, तो ये भी एक याद रखो 1/3, ठीक है। सो 30,000, तो अब इनका टोटल इनकम हुआ है 42,000, तो ग्रॉस टोटल इनकम सैलरी और अभी का मिला के होता है 2,89,920। देखो इसमें क्या इंक्लूड है, इनकम फ्रॉम सैलरी और क्या इंक्लूड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, गॉट इट। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता तो ये भी हमने ऐड किया होता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस होता तो ये भी हमने ऐड किया होता, एंड ऐड करके उसको कहते हैं टोटल ग्रॉस टोटल इनकम। तो इस तरीके से पूरे साल भर का मिस्टर दिलीप पाठक का टोटल इनकम है 2,89,925, गॉट इट। तो आया समझ में, सो डिडक्शन, अब डिडक्शन लास्ट में फाइनली डिडक्शन, ग्रॉस टोटल इनकम में भी हमने डिडक्शन सीखा है, एटी सी सीखा है, एटी डी सीखा है, एटी जी सीखा है, ऑलरेडी मैंने ट्रिक बताया आपको, एटी डी, डी मतलब डॉक्टर हेल्थ से रिलेटेड होता है, एटी
क्या सिखाया था मैंने, जी जी मतलब गॉड, गॉड से मतलब डोनेशन से रिलेटेड होता है, एटीसी उनमें सब एलआईसी वगैरह सब आता है, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह आता है। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या दिया है। तो देखो क्लियर कट उन्होंने हमको यहाँ पे डिटेल्स दिया है, सो यहाँ पे कुछ भी उन्होंने डिटेल्स नहीं दिया है, तो है ही नहीं यहाँ पे कोई। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ना एटीसी दिया है, ना एटीडी दिया है, ना कोई डोनेशन किया है, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है, नथिंग। तो यहाँ पे डिडक्शन पूरा की पूरा नील है। तो टोटल इनकम 2,89,925। देखो इसलिए अब आप बड़े हो चुके हो, अबाउ 18 हो चुके हो, तो आप अब अगले साल आप कमाओगे, तो ये याद रखना है आपको, ये इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, ताकि आपको ये डिडक्शन मिले। आप आपकी हेल्थ पॉलिसी इंश्योरेंस निकालो, आप आपके पेरेंट्स के इंश्योरेंस निकालो, ठीक है, कुछ एफडी 5 ईयर्स का टैक्स सेविंग एफडी बनाओ, तो आपको ये सब डिडक्शंस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अगर अगर कुछ इन्वेस्ट की होती उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस में, मेडिक्लेम में, एलआईसी में, तो उनको बेशक यहाँ पे 1,50,000 मैक्सिमम तक क्या मिला होता, अंडर एटीसी में बेनिफिट मिला होता। बट ठीक है कोई बात नहीं, तो 2,89,925। अब इस पे टैक्स कैसे करना है हमें फाइंड आउट, ठीक है। सो देखो ये सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट निकालो या लिख कर रखो, ये ओल्ड रिजीम है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि ओल्ड रिजीम से कैलकुलेट करने का है या न्यू रिजीम से किया है, ठीक है। यूजुअली वो ओल्ड से ही देते हैं, न्यू रिजीम से देगी तो आपको मैं न्यू रिजीम भी बताऊंगी कि वो क्या है। तो फिलहाल ओल्ड रिजीम याद रखो, स्क्रीनशॉट निकालो, लिख कर रखो। तो अब हमारी जो दिलीप है कहाँ पे है, यस अबाउ 60, 66 एज है ना, तो अबाउ 60, तो हम ये क्राइटेरिया, तो उनका इनकम 3 लाख से कम है, तो नो टैक्स, गॉट इट, सो उनको टैक्स लायबिलिटी नहीं। आई होप आपको समझ आए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।